ये एरिया जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छुम्बी सुरला बोलते हैं। मैं एज ए वाइल्ड लाइफ वाचर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। असल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, तो सेंचुरी में हमें इस हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। सबसे आम हमें है कि वाइल्ड लाइफ जितनी भी है ना जी, उसमें जितने एनिमल्स बर्ड्स जो भी हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको हंटिंग से रोकना और शिकारियों से बचाना। फिर अगर वो किसी इस एरिया में किसी चीज़ की कमी हो रही है, कोई वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, तो उसका भी ख्याल रखते हैं किस वजह से कम हो रही है। पेंगुलन्स यहाँ पे बाकी एरिया की नस्बत यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा भी है। पेंगुलन को हम जो लोकल है वो सल्ला बोलते हैं, सिपियों वाला सल्ला। उसके ऊपर जो वो सख्त सख्त बने होते हैं छोटे छोटे स्पार्ट्स, उसको हम सिपियाँ बोलते हैं। हमारे जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि यार ये क्या है, कैसी चीज़ है, ये क्या करता है, उसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्या खाता है, इसका माहौल में क्या असरात हैं, ये क्या कर रहा है। तो इसका हम तो यही समझते थे कि ये कब्रों में सुराख करता है, कब्रों के अंदर पानी चला जाएगा, कब्रें ख़राब हो जाएंगी, लिहाजा इसको ख़त्म करें। कब्र नहीं होती है ना, दफनाते हैं हम किसी को, ठीक है, तो वो फिर खोद के ना वो मीयत पता नहीं खा जाता है या क्या करता है। ये बहुत खतरनाक है, ये जेडी हड्डी नु पेंदी कट के ते उस जानवर नु सुट के खा जा। ये डायनासोर टाइप की कोई चीज़ लग रही है। हाँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं जो है ना तसल्ली से कह सकता हूँ, क्योंकि ये ज़हर है, फसल के लिए नुकसानदेह है, तो सबके लिए नुकसानदेह। पेंगुलिन की 8 अकसाम है दुनिया में, जिसमें से 4 अफ्रीका में और 4 एशिया में, और जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो उन 4 में से जो एशिया में पाई जाती है उसमें से एक है, और ये एक मैमल है। पेंगुलिन जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही रिपोर्टेड है, और ख़ासतौर पे चकवाल के सॉल्ट रेंज के एरिया में, और फिर कश्मीर के एरिए से उसकी बाकायदगी से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये नॉक्टर्नल है, ये ज़्यादा एक्टिव अक्सर रात को होता है, और ये रात को जब बाहर निकलता है तो फिर अपनी जो इसकी सूंघने की सलाहियत है उससे अपनी खुराक को ढूंढता है, और जब ये खुराक इसको मिल जाती है तो ये खोदता है, जो उसके पाँव के नाखून हैं वो काफ़ी तेज़ और लंबे होते हैं, उससे ये खोदता है, और फिर इसकी टांग जो कि इसकी ज़बान काफ़ी लंबी है उसको एक्सटेंड करके, और वो क्योंकि स्टिकी होती है, ये इंसेक्ट्स को खाता है, और ये एक रात में हज़ारों की तादाद में इंसेक्ट्स खा जाता है। बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि ये किस एरिया में। एक तो ये अपनी फीडिंग ब्रोज बहुत ज़्यादा बनाता है, तो वो जगह जगह जब भी आप नज़र जहाँ से गुजरेंगे, इतने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वहाँ पे फीडिंग ब्रोज इतनी ज़्यादा होंगी। ये इसका फीकल मटेरियल है पेंगोलिन का, ये बिल्कुल सारा ये चुंटियों से भरा हुआ है। ये चुंटियों के सर जो नुमाया नज़र आ रहे हैं ना, इनके सर है, बरो भी बिल्कुल फ्रेश है। सारे पाकिस्तान में जितना भी वाइल्ड लाइफ है उसका हम सर्वे करते हैं, बिलखसूस उन जानवरों का जिनका जो नस्ल है वो महदूम होता जा रहा है। पेंगोलिन इसके लिए आंट इटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ स्टेबल पॉपुलेशन है इसका, बाकी जो एरिया है वहाँ मोर देन 90% वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही यूनिक किस्म का जानवर है। इनफैक्ट कई लोग जो इसको पहली दफ़ा देखते हैं वो ये समझते हैं ये कोई बड़ी ड्रोनी और डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जो स्केल्स बेसिकली इस जानवर की एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके जो बॉडी पे स्केल्स हैं उसके 2 फंक्शंस हैं, एक तो ये है कि जो प्रेडिटर है, जैसे जो वुल्फ है या फॉक्सेस हैं, जो लेपर्ड्स हैं, वो उससे अपना तहफ़ कर सके, लेकिन इसके अलावा जब ये खा रहा होता है, इनके कीड़े मकोड़े काट भी सकते हैं, तो वो भी इन स्केल्स की वजह से बचा रहता है। पेंगोलिन अपने तहफ़ के लिए बॉल की तरह रोल हो जाता है, और इस तरह उसके जो पेट के और मुंह के जो नाजुक हिस्से हैं वो सब अंदर की तरफ रोल हो जाते हैं, और उसके जो स्केल्स हैं जो कि बहुत सख्त होते हैं वो बाहर की तरफ उसको सराउंड कर लेते हैं, और ये इस शक्ल में, उस बॉल टाइप शक्ल में तब तक रहता है जब तक उसका ख़तरा जो है वो दूर ना हो जाए। तो इसका एक बहुत पावरफुल डिफेंस मैकेनिज़्म है ये जो इसके कैरेटिन स्केल्स हैं। जब पिछ भी पेटना लाख है एक गोल मोल होकर बैठा, एक किस चीज़ को नहीं मरता सिवा बंदे तो।
वैसे तो हम बचपन से जब जाते थे रात को आगे पीछे घूमते तो अक्सर हमें ये पेंगोलिन मिलता था। इसकी खूबी ये होती थी कि हम इसको देखते थे, थोड़ा टच किया और ये गोल हो जाता, तो हम इसको कोई खास अहमियत भी नहीं देते थे, यही कहते थे ये शिप है। मैं दिखाता हूँ, ये उसका रास्ता बना हुआ, देखो ये नजर आया। यहाँ पे हर गांव में, हर आबादी में जितने उबाश लड़के थे, जितने जिनका कोई कारोबार नहीं, तलंगे थे, उन्होंने ये किया जी कुत्ते रख लिए, कुत्तों को सिखलाया हुआ है, वो शाम को जाते हैं जहाँ कुत्ता टों की आवाज़ निकालता है और वो उधर पहुँच जाते हैं, वो आगे सिप होता है। ये तकरीबन 4-5 साल पहले कुछ ऐसे झुग्गियों वाले लोग आए हुए थे, तो उन्होंने ऐसी झुग्गियाँ लगाई हुई थी, मैंने कहा इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों आए हुए हैं, क्या करने के लिए। तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है, उन्होंने कहा जी हम सले पकड़ते हैं। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं आप, क्यों पकड़ते हैं? बस जी हम इनकी सिप उतार के सेल करते हैं। तो फिर जब हमने अपने ऑफिसर से डिस्कस की कि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग शुरू हो गई है, तो उसके बाद फिर हमारे डिपार्टमेंट ने इनके चलान वगैरह करने शुरू किए और लोगों से जुर्माने वगैरह लिए। ये कौन लोग हैं जो इसका कारोबार घरूना कर रहे हैं, कहाँ पे ये जाता है? हमें तो इतनी, हमने इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। सुन है जी चाइना में जाता है, कोई कहता जी इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, कोई कहता जी इसकी मेडिसिन बन रही है, कोई कहता जी हमें इसका कोई इल्म नहीं है क्या। हमें तो इतना पता है कि इसको जुल्म हो रहा है। पेंगोलिन के जो स्केल्स हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, वही उसकी जान के लिए खतरा भी साबित होते हैं। इसका ना सिर्फ गोश्त जो है वो एक डेलिकेसी समझा जाता है स्पेशली चाइना और वियतनाम में, बल्कि इसके जो स्केल्स हैं उनको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है और ये समझा जाता है कि जो बीमारियाँ हैं उसमें ये कुछ कारामत साबित होते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और इसकी वजह से इसकी ब्लैक मार्केट जो है बढ़ रही है, क्योंकि इन स्केल्स की तजारत की जाती है जो कि गैर कानूनी है। और ये देखा गया है कि पिछले तकरीबन 10 साल में 1 मिलियन से ज़ायद जो पेंगोलिन्स हैं उनकी तजारत की गई है, और ये एस्टिमेट है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर का। इसका छिलका बगैर उबाले पानी के उतरते नहीं है, क्योंकि इतना पक्का होता है, जैसे मुर्गी के ऊपर पर होते हैं। एक झुग्गी के पास गया तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि यार आप लोग क्या करते हैं? हम जी सेब पकड़ते हैं, चक्कर मकर दिए। मैं दिखाओ, मैंने देखना है, नाड़ी से बन गया। मैं क्या देखता हूँ कि उसने पानी का बहुत बड़ा कड़ा चढ़ा हुआ पानी का, और नीचे लक उबर रहा है, और उसने मेरे सामने सिप निकाल कर डाला उस पर, उन्हें टड़ांग की है, इतनी लंबी जबान उसकी बाहर आ गई, बड़ा खौफनाक सीन था वो। जब मैंने किया तो उसी वक्त वो बाहर पुलिस वालों को बुलाया, पकड़ा, उठा के, जो स्मेल ही स्मेल थी। शिकार भी आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल है, अभी चंगा भी है तो बुरा भी है, बुरा है तो जान भी जा सकती, चीज़ा कीमती ने तो फटनिया भी पैदा ने, बड़ा आधे टाइम शिकार निकलता थले का, फुट सीधी जा के थले चली जाती है, गड़के बनाए होंगे ने, जाल ला लें, मारे नहीं जाते क्योंकि ये गोली भी असर नहीं करती, पर नक तो छोटी बच्चे की मार सकते, जिन्होंने पता वो खरीद आते हैं फिर सौदा मिल जाता शिकार करके दे दें। पहले तो 50,000 रुपये किलो चाना बिके, हूँ तो 15-20,000 रुपये से आ गए, जिते कोई लग गया, नस्ल खत्म हो रही है। सानू पता है मुका नहीं, कला शिकारी ने ना, पूरी दुनिया के होर भी शिकारी ने, ट्रक ट्रक बेचते लोगों ने, इन्हें वटा वुटा तो बन्या दड़ा तो अगर पिछले जमीन जमीन के बच्चे वेखी दया, पैसा लजा रहा या बैठा, काफ़ी चिर हो गया वेखी नहीं, नदी नहीं आया। एक रात को इधर लड़के 3-3, 4-4, 5-5 पकड़ते थे, जिसकी वजह से इनकी मकदार बहुत कम हो गई है, अभी तो शायद ढूंढ रहे से ही कोई मिलेगा। जो सला सेल होता है ना, जो आजकल के टाइम में सेल हो रहा है, कुछ डीलर जो सेल कर रहे हैं, ये 50,000 से 60-80,000 तक जा रहे हैं। तो जो पकड़ा जाता है बंदा, उसको जुर्माना होता है 10,000-20,000, तो किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। तो मेरा ये जहन है कि इसको बहुत ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए, मतलब अगर 50,000 जुर्माना हो, 7,000 भी हो, ताकि लोग डर जाएँ। मैं अभी ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ पर काबू ना किया गया, आज से 10 साल के बाद सिप नहीं आपको ये इलाके से मिलेगा। कोई बंदा शिकार ना करे, हाँ इस किस्म का पाबंदी, सप पकड़ दे रहे, हाँ बिच्छू डूगे, मना करो, रिटायर्ड होकर कोई गड़बड़ सी जमादार।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لوگوں کے اندر یہ ویرنس پیدا نہ کرے، ان کے اندر دل کا خوف پیدا نہ کرے کہ اگر یہ سپ ختم ہو گیا دنیا میں تو تمہیں یہ کیڑے کھا جائیں گے، کیونکہ یہ کیڑے کھاتا ہے، مکوڑے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بیلنس تو ہے۔ پینگولن جو ہیں وہ دو قسم کی برز بناتے ہیں، ایک تو وہ جو ریگولرلی انہوں نے کھانے کی تلاش میں نکلنا ہے تو وہ اپنے ناخنوں سے کھود کھود کے خوراک ڈھونڈتے ہیں، دوسرا جو ہے جو زیادہ گہری ڈیپ برز بناتے ہیں وہ ان کے رہنے کی برز ہوتی ہیں، جس میں وہ خاص طور پہ دن کے وقت وہ چھپ کے رہتے ہیں، یا اور انہی برز میں ان کی بریڈنگ بھی ہوتی ہے، بچے دیتے ہیں تو وہ ان کے گھر ہوتے ہیں۔ کچھ مرے ہوئے اگر کچھ لوگوں کو مل گیا، اس کی سپ اتار لیں، یہاں پہ ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھینسوں گائیوں کے گلے میں ڈال دیتے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کے لیے ڈال دیتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ یہ نظر بد سے بچانا۔ سنگھی آدھے انہوں نے بنا کے دیتی بکریاں شکریاں دے گالے چھپانے واسطے، بیچی شیچی ایسا کدی نہیں ساڑھے کول ہوندی کوئی نہیں بیچنی کتھے ہے جی، میرے والد صاحب ایک کام کرتے ہیں تو بڑھاتے ہیں تو میں بھی دیکھتا سکھایا، بس انہوں کو ہی سیکھا آبا جی کو ہی، نویں روشنی ہے نا جی یگ مین انہوں نے کو نہیں پتا، ایک پرانے لوگ بناتے آئے ہوں بس چھٹی۔ ایک ایڈلٹ جو پینگولن ہے وہ تقریباً ایک سال میں 70 ملین کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا انسان کو فائدہ ہے، اس ایکو سسٹم کو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو یہ برز بناتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے دوسرے چھوٹے جانور پرندے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اس کو اپنے گھروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی کیڑے سارے کسان دشمن نے ایک کھیتی باڑی دے بارے، وہ دشمن نے انہوں نے کھا جائے گا اور وہ تمہیں کسانوں کو فائدہ ہے، ایس گھر نو وارننگ دے دیو، یہ دیکھو جی جو کام تسی گراں لے کر سکتے ہو اس تو علاوہ کوئی پتہ نہیں کر، ایس گھر نو وارننگ دیو کہ تو سپاہی دوبارہ ملوث پایا گیا اسی طرح ڈیرا جگا دے۔ یقین جانے کہ مجھے تو اپنے جانوروں سے اتنا پیار ہے کہ جب کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہنٹ کرتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں، یا میں کہیں مرا ہوا دیکھتا ہوں تو یقین جانے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ چیز یار غلط ہے، بہت غلط ہے، ہماری چیز میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے جانوروں کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان کو ریسرچ کرنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں وہ بیوٹی ہے، وہ چیزیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں نہیں ہیں۔ دوربین ہوتی ہے میرے صاحب، بیٹا میرا پوچھتا ہے کہ پاپا کہاں گئے ہوئے تھے، کیا کرنے گئے ہوئے تھے، میں کہ یہ ڈیوٹی ہے میری، اڑیال کے شکاری آتے ہیں، پارٹیج کے شکاری آتے ہیں، اس کے شکاری ہم نے پکڑے ہیں، تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا، ابھی چھوٹا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو میری بہت بڑی خواہش ہے کہ کل وہ بڑا ہو، خود چل کے ان چیزوں کو دیکھے، وہ سمجھے، اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ایریے میں قائم رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔